जय हिंद दोस्तों, सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद। दोस्तों आज हम बात करेंगे BRO जो SKT है, MDES है, ड्राइवर इंजन स्टेटिक, उसकी ट्रेड की एग्जाम डेट है जो जारी कर दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखेंगे उसमें कितने लड़कों को बुलाया जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर होगा, किस एग्ज़ाम सेंटर से कितने लड़कों को बिठाया जाएगा, तो सभी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स हम विद प्रूफ के बात करते हैं, कभी बिना प्रूफ के हम कभी वीडियो नहीं बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास प्रूफ है जो कि 25 जून को मीटिंग हुई थी उनकी। ठीक है, उसमें निर्णय लिया गया था, तो अब देखते हैं क्या है पूरी सच्चाई। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी नए नए नोटिफिकेशन एवं BRO संबंधी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स नोटिस की ओर। फ्रेंड्स ये 29 जून 2021 का है। ठीक है, रिसेंट प्लान फॉर SKT एंड MSWDES एडवर्टाइजमेंट 2021। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने प्लान तैयार किए हैं जो MSW जो ड्राइव इंजन स्टेटिक एवं स्टोरकी टेक्निकल के लिए। प्लीज़ रेफर टू हेडक्वार्टर DGBR, लेटर नंबर ये है, डेट 25 जून 2021, कॉपी इनक्लोज्ड। तो फ्रेंड्स इन्होंने 25 जून को जो मीटिंग की थी उनमें क्या क्या निर्णय लिया है वो देख लीजिए। इट इज़ ब्रोथ आउट दैट केस वॉज टेकन अप द हेडक्वार्टर DGBR राइट कंडक्ट ऑफ रिटर्न एग्जाम फॉर SKT एंड MSWDES पोस्ट एडवाइस प्रोजेक्ट लोकेशन डर्निंग September 2021। तो फ्रेंड्स इन्होंने निर्णय लिया था कि जो SKT MDES है उनका जो रिटर्न एग्जाम है वो September 2021 में करवाने का पूरा प्रोसेस तैयार कर लिया है। द एग्जाम हैज़ बिन प्रोपोस्ड टू बी कंडक्ट एट ग्रिप सेंटर बीकानेर, जोधपुर, ऋषिकेश, जम्मू, चंडीगढ़, सिलीगुड़ी। फ्रेंड्स जो दे रखे हैं ये इन्होंने जो प्रारूप तैयार किया है उसके अनुसार एग्जाम सेंटर यहाँ पर होगा। ठीक है, अंडर अरेंज फॉर रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट टोटल ऑफ अप्रोक्स 7400 कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू अपियर फॉर द टेस्ट। तो फ्रेंड्स इन्होंने बताया कि 7400 जो कैंडिडेट हैं वो अनुमानित जो कि एग्जाम में बैठने वाले हैं। फॉर विच एडमिट कार्ड वुड बी इश्यू गाइडिंग कैंडिडेट टू वायरस सेंटर क्लोज टू देयर पैलेस ऑफ रेजिडेंस द टोटल स्ट्रेंथ एट ईच सेंटर वुड बी प्लान टू बी स्ट्रेंथ एज पर गिवन बिलो। तो फ्रेंड्स इन्होंने बताया कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो BRO की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, सॉरी जो एडमिट कार्ड है वो आपके लोकेशन पर स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स इन्होंने बताया कि जो एग्जाम सेंटर है वो नाम दिया है बीकानेर, जोधपुर, जम्मू, ऋषिकेश और चंडीगढ़। इधर ये तो हो गए NW ईस्ट की बात करें सिलीगुड़ी, गुवाहाटी जो कि तेजपुर होता है, और एक ग्रिप सेंटर पुणे है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अप्रोक्स कैंडिडेट, मैक्सिमम कैंडिडेट जो है बीकानेर में 520 बैठने वाले हैं, जोधपुर में 420 बैठने वाले हैं, जम्मू में 1000 बैठने वाले हैं, ऋषिकेश में 1450 बैठने वाले हैं, चंडीगढ़ में 1200 बैठने वाले हैं। इसके अलावा बात कर ले फ्रेंड्स जो सिलीगुड़ी है उसमें 900 बैठने वाले हैं, गुवाहाटी जो कि तेजपुर है 150 बैठने वाले, और जो DG कैंप जो ग्रिप सेंटर पुणे है उसमें 2100 स्टूडेंट बैठने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो KP सिंह कॉल कमांडेंट है, उनके सिग्नेचर है। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने जो कॉपी दी है वो यहाँ पर दी है, इन्फॉर्मेशन जो रिक्वेस्ट है ईयरली फीडबैक। ठीक है, और फ्रेंड्स जो ये कॉपी भेजी गई है वो हेडक्वार्टर DGBR सीमा सड़क भवन रिंग रोड दिल्ली कैंट न्यू दिल्ली, यहाँ पर इन्होंने कॉपी को भेजी है। और फ्रेंड्स किसी भी जानकारी के लिए आप BRO की ईमेल है इस पर संपर्क कर सकते हैं, एवं टेलीफोन नंबर ये है और फैक्स नंबर ये है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरे को लगता है आपका सब डाउट क्लियर हो गया, फिर भी अब अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। एवं फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता दूँ फ्रेंड्स, जो आपका लिस्ट है वो इसी मंथ अपलोड होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी गुड न्यूज़ है। और फ्रेंड्स इसमें टोटल कैंडिडेट वो 7400 है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि SKT के कितने कैंडिडेट होगा, को लेटर आएगा, तो मैं आपको बता दूँ
4500 प्लस लड़कों का आपका कॉल लेटर आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज़। फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले। फ्रेंड्स जितने फ्रेंड आपके सभी में शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबको पता चल सके कि आपकी एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। जय हिंद दोस्तों, सभी को जय हिंद।